साथियों, मैं हूँ संतोष अर्थात चौक इलाके में और पास में ही स्टेडियम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन के विविध विषयों पर मैं आपसे बातचीत करता रहता हूँ, लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, आपके सामने लाता रहता हूँ। कुछ लोगों का ये विचार आया था कि गेम्स के ऊपर मेरा किसी से बातचीत नहीं हुई है, तो आप लोगों की जो है जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करना मेरा दायित्व है। तो आपके अनुरोध के क्रम में मैं आज जो हूँ एक ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रशिक्षक, उनसे बात हुई थी। काफ़ी दिन से प्रयास चल रहा था कि उनसे बात हो जाए, तो आपके बच्चों के लिए कैसे क्या किया जाए फिटनेस के लिए, क्योंकि गेम्स वो चीज़ है जो खाली जो है शरीर का विकास नहीं करता है, मन का विकास करता है और आपस में क्या कहते हैं एक कल्चर का विकास करता है। दो टीम भले ही हारे लेकिन लास्ट में सबके खिलाड़ी जो है ना हाथ मिलाते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब मैं आया हूँ, देखिए ये हमारे साथ में मनोज कुमार शर्मा जी। मनोज कुमार शर्मा जी, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। ये बताइए आप किस गेम से जुड़े हुए हैं? मैं ताइक्वांडो मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ। ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट सिखाते हैं? वो कोरियन मार्शल आर्ट है। अच्छा, जैसा कि देख रहे हैं मनोज कुमार शर्मा जी ये ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल प्रशिक्षक हैं और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बच्चों को लेकर जाते हैं, इनका फूडिंग लॉजिंग इस तरीके की व्यवस्था करके कुछ बताते हैं। अब मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ, ये कब से हैं आप इसमें जो व्यवसाय? मैं 1988 में ताइक्वांडो ज्वाइन किया था, उससे अच्छा। पहले मैंने 3 साल और सीखे थे ऐसे ही दोस्ती। मतलब 98 से, मतलब 1988 मतलब लगभग 30 साल, 35 साल हो रहा है लगभग। 35 साथियों समझ रहे हैं कि 35 साल से ये जो है इन्होंने पूरा 35 साल की लाइफ जो होती है लगभग हमारा आधा से ज़्यादा जीवन जो है इन्होंने दिया है ताइक्वांडो का। ये बताइए जो ताइक्वांडो, जैसे हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं ताइक्वांडो से ये बच्चों को क्या लाभ हो सकता है और किस उम्र में ये बच्चे इसमें प्रवेश ले सकते हैं? बच्चे इसमें सर 3 साल से लेके, अच्छा, कोई भी एज का बच्चा खेल सकता है। अच्छा, और इस गेम को खेलने के बाद बच्चा फिट रहता है, इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक तक जा सकता है। अच्छा, ये जो ताइक्वांडो का जो आप ट्रेनिंग देते हैं तो इसमें जो समय समय पर सुना है कि बेल्ट, जैसे हम लोग एक बेल्ट हम लोग लगाते हैं लेकिन हमने जहाँ तक सुना है इसमें बेल्ट होती है, ये क्या बेल्ट क्या होती है? सर ये बेल्ट होती है, कैसे स्कूलों में बच्चों को क्लासेस चेंज होता है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन। अच्छा, ताइक्वांडो में पहले व्हाइट बेल्ट फिर येलो बेल्ट फिर ग्रीन बेल्ट फिर ग्रीन, मतलब कुल मिलाकर जैसे बच्चा आपके पास सीखने आया तो सबसे पहला कौन सी, मतलब जो एग्जाम होगा उसको बेल्ट का पहली बेल्ट बच्चा एडमिशन लेता है। कौन सी पहली बेल्ट कौन सी होती है? व्हाइट बेल्ट होती है पहली बेल्ट, व्हाइट बेल्ट। फिर एक ही देखिए एक एक बेल्ट जो है व्हाइट बेल्ट, यही रख दीजिए, ये एक बेल्ट व्हाइट बेल्ट होती है, तो व्हाइट बेल्ट सबसे पहले आती है बच्चे के पास। चलिए चाय लेते रहिए, चाय और इंटरव्यू साथ चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले व्हाइट बेल्ट आप देते हैं, जैसे बच्चे ने एडमिशन लिया तो व्हाइट बेल्ट ये कितना दिन में मिल जाती है? ये 2 मंथ का कोर्स है व्हाइट बेल्ट का। हाँ, इसमें 2 मंथ में व्हाइट बेल्ट मिल जाती है। अच्छा, तो 2 महीने में व्हाइट बेल्ट मिल जाती है और ले लीजिए बिस्कुट, 2 महीने में व्हाइट बेल्ट मिल जाती है। तो व्हाइट बेल्ट कौन कैसे देता है? व्हाइट बेल्ट बच्चों के किको पे दी जाती है और जो नहीं, जैसे आपने सिखाना चालू किया, मान लीजिए मेरा बच्चा है ठीक है, हम आपके पास लेके आए तो सीखना चालू किया, तो व्हाइट बेल्ट कब कौन कैसे देगा? मैं बेल्ट उसका टेस्ट लूंगा और जो मैंने सिखाया है 2 महीने उसी का टेस्ट होगा, वही बच्चा बताएगा, उसके नेम बताएगा, किक चला के दिखाएगा, किक किक है, फंडामेंटल है, अटैक डिफेंस है,
इसी में होता है, एक होता है 19 स्टेप का, कैसे पीटी होती है ऐसे उसी तरह फॉर्म वगैरह होता है सब करके वो दिखाया जाता है, तब उसको बेल्ट चेंज होती है। साथियों जैसे हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में जाते हैं उनका एग्जाम होता है, इसी तरह समय पर जो है टोटल कितनी बेल्ट होती है? व्हाइट से ब्लैक तक 9 बेल्ट होती है, 9 बेल्ट, 9 बेल्ट। उसके बाद में डिग्री में होती है 9 to 10। डिग्री का क्या मतलब? ब्लैक बेल्ट कैसे इंटर होता है बच्चों का, वैसे ही टैकोंडो में सबसे बड़ी मास्टर बेल्ट होती है ब्लैक बेल्ट। अच्छा, उससे बड़ी बेल्ट कैसे बीएससी होता है वो होता है, वैसे ही ब्लैक बेल्ट सेकेंड डाउन, थर्ड डाउन, फोर्थ डाउन, फाइव डाउन, सिक्स, 10 डाउन तक होते हैं। अच्छा, ब्लैक बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक, तो ब्लैक बेल्ट से ऊपर 10 डाउन, ये मतलब कुल मिला के पीएचडी, मतलब ब्लैक बेल्ट करने का मतलब है जो आप बता रहे हैं। हम लोग जैसे पढ़ाई करते हैं नर्सरी, जो पढ़ाई करते करते आते हैं तो पीएचडी होता है, ब्लैक बेल्ट के ऊपर वाले जो बेल्ट बता रहे हैं इसका मतलब एक तरीके से ताइक्वांडो में पीएचडी की बात बताया, मास्टर डिग्री। तो आप ये ब्लैक बेल्ट वालों को भी सिखाते हैं? ब्लैक बेल्ट वाले भी, इसलिए फोर डाउन ब्लैक बेल्ट हूँ, और मेरे जो मास्टर है जिमी आर जगत्यानी, जो इंडिया में ताइक्वांडो लाए हैं, वो इंटरनेशनल मास्टर है, इंटरनेशनल रेफरी है, इंटरनेशनल कोच है, और 8 डाउन ब्लैक बेल्ट है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कर रहे हैं अभी किसी स्कूल वगैरह में क्लास लेते हैं, कैसे क्या करते हैं अभी? सिटी मार्ट आप जैसे बता रहे थे कि शायद सिटी मार्टेसरी स्कूल में भी क्लास लेते हैं। मैं सिटी मार्टेसरी स्कूल चौक ब्रांच, अच्छा, और ब्रेक कैरियर, अच्छा, और महाराजा अगर सेंट पब्लिक स्कूल में। साथियों जैसा कि आप समझ रहे हैं सिटी मार्टेसरी स्कूल जो है जिसके फाउंडर जगदीश गांधी रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वाला स्कूल है सिटी मार्टेसरी स्कूल ने, इनकी सेवाओं को देखते हुए, इनके ज्ञान को देखते हुए, इनकी ख्याति को देखते हुए, इनका इनके डेडिकेशन को देखते हुए इनको स्पेशली हायर किया हुआ है कि ऐसे जो प्रशिक्षक हैं मनोज कुमार शर्मा जैसे, ये इंडिया में गिने चुने अगर 10-20 प्रशिक्षकों में गिना जाए तो उसमें इनकी गिनती होती है साथियों। तो मैं आपके लिए ये चीज़ इसलिए ले आया हूँ कि बच्चों का निश्चित रूप से पढ़ाई का जोर बहुत है, बोझ बहुत है और समय नहीं मिलता है, लेकिन खेल भी जरूरी है। खेल का ये बताइए, खेल का जो है बच्चों में किस किस भावना का विकास होता है खेल के माध्यम से? खेल का देखिए, ये ताइक्वांडो सीखने से सबसे बड़ी बेनिफिट होता है बच्चों अपना सेल्फ डिफेंड कर सकते हैं, आत्मरक्षा खुद कर सकते हैं। आजकल के समाज में ऐसे लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जो बच्चा 1 साल सीख लेता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है अगर कोई रास्ते में उसको जबरदस्ती छेड़ना चाहे या कुछ छीनना चाहे तो वो अपना आत्मरक्षा कर सकता है। साथियों जैसा कि समझ रहे हैं ताइक्वांडो सिर्फ एक खेल की बात कर रहे थे, आए दिन हम लोग पेपर में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में सुनते रहते हैं और लड़कियों के साथ विशेष रूप से रेप, गैंग रेप इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, तो उसके लिए अगर ताइक्वांडो सिखा दिया जाए तो क्या रहेगा? ताइक्वांडो बहुत अच्छा बेस्ट खेल है। जैसे कोई लड़की है जा रही है, ठीक है, कोई लड़का छेड़ रहा है और समाज में सेक्सुअल क्राइम रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए आपका गेम क्या मतलब भूमिका ले सकती है? मेरे गेम की बहुत भूमिका है, अगर बच्चा है तो 1 मिनट के अंदर उस जो छेड़ता है उसको गिरा सकता है। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये यहाँ पे मार देगा, यहाँ पे मार, तुरंत गिर जाएगा। अब पूरा बहुत चीजें हैं, पंच है। चलिए खड़े होते हैं, आप बताइए जरा, आइए खड़े हो जरा। जैसे आप जो खेल से सामाजिक सुरक्षा कैसे हो सकती है? जैसे मान लीजिए कोई लड़की जा रही है, हमारी लड़की जा रही है, किसी लड़के ने उसको छेड़ा, कैसे ऐसे हाथ पकड़ने की कोशिश की लड़के ने, उसने हाथ झटका दिया, अच्छा आप तुरंत ये और ये ठीक और यहाँ से बाहर पकड़ के तुरंत किक। देखिए मैं आपको ले रहा हूँ, हाँ अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है, ऐसे हाथ पकड़ा, ठीक छुड़ाया, अच्छा और पूरा ये
पूरा। अच्छा, तो इससे उससे वो लड़का गिर जाएगा? गिर जाएगा तुरंत। हाँ। उसकी जान भी जा सकती है। अच्छा, ओके ओके। ये जी क्या कर, ये ओहो। तो साथियों, जैसे देख रहे हैं कि खेल मात्र एक खेल नहीं हुआ, हमारे आपकी बच्चियों की सुरक्षा जो है इस पर डिपेंड है। तो कितना इम्पॉर्टेंट आप समझ ही सकते हो। आए दिन हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि कोई लड़का लड़की उठा ले गया, गैंग रेप हो गया, ये सब चीजें जो है ना खेल के माध्यम से, और कितना विकास हो सकता है। अच्छा, जो आपके जो सर्टिफिकेट आप जो बताते हैं, कंपटीशन वगैरह कराते हैं? कंपटीशन में इंटर स्कूल से लेकर नेशनल लेवल तक कंपटीशन चलाने की हमें परमिशन है। हाँ। जो हमारे सर हैं। हाँ। मैं खुद ही, हमारी एकेडमी है। आपकी एकेडमी है? क्या नाम है एकेडमी का आपकी? ताइक्वांडो ट्रेनिंग स्कूल एकेडमी उत्तर प्रदेश, जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड एकेडमी आपकी? अच्छा अच्छा। तो मैं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी 1988 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को अपना नाम मोबाइल नंबर से जुड़ा। साथियों, जिनकी भी बेटियां हों या बच्चे हों, जो भी है ताइक्वांडो के संबंध में कोई राय लेना चाहते हैं, और लखनऊ के आसपास के लोग, ये पार्क वगैरह में इनके क्या कहते हैं पार्क वगैरह में भी, यहाँ ठाकुरगंज में भी, ये नेपियर रोड कॉलोनी में आप चलाने जा रहे, इनकी जो है क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं पुराने लखनऊ में नेपियर रोड कॉलोनी में, जल्दी ही इनका बैच चलाने का प्रोग्राम है। आप अपना नाम पता मोबाइल नंबर लोगों को बता दें। ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल चौक ब्रांच में जो है इसके ट्रेनर हैं, शिक्षक हैं, और पिछले कितने सालों से? मैं लगभग 15 सालों से सिटी मॉन्टेसरी जैसे रिप्यूटेड स्कूल ने इनको हायर किया हुआ है। आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लोगों को बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। हाँ। मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, नेशनल रेफरी हूँ, नेशनल इंस्ट्रक्टर हूँ, फोर डाउन ब्लैक बेल्ट है। फोर डाउन ब्लैक बेल्ट। हाँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 7897498389। एक बार और मोबाइल नंबर बता दीजिए। 7897498389। तो साथियों, हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ विविधता लिए हुए होता है। तो आज जो मेरा चैनल था, जो समाज में लड़कियों के साथ जो घटनाएं हो जाती हैं और खेल की भावना, इन सब को लेके मनोज कुमार शर्मा हमारे साथ। मनोज कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और समय समय पर आपसे फिर मिलता रहूँगा।